नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पे यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रिसेंटली जो अभी होने वाला है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के, तो उन्हीं की सीरीज़ जो चल रही है हमारी GK की, तो आप लोगों को, जो लोग हमारे चैनल पर कनेक्ट हैं, तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम जो आपके कंपिटेटिव एग्ज़ाम हैं यूपी यूपी रिलेटेड, उनकी हिंदी और GK के जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आपको सबसे बेस्ट बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों आप मिस ना कर पाएँ। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, फिर से एक बार शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब सही है, चलो ठीक है, इतना ही रखो। क्या करा कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करा कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो जो नागा थे, तो उनका प्रधान केंद्र कौन सा था? तो ये था मथुरा, मथुरा नागों का प्रधान केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 7 सितंबर 1947 ईस्वी में किए गए थे हस्ताक्षर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1994 ईस्वी में पारित किया गया था। कौन सा 1994 ईस्वी में पारित किया गया था? तो ये था उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक, जो कह सकते हैं आप, जितनी बार जीते हैं, तो वो हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं जो सबसे अधिक समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो वो थे त्रिभुवन नारायण सिंह जी थे, ये सबसे कम समय के लिए यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 दोस्तों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, तो वो हैं राम नाईक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जो राष्ट्रपति है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? तो वो दोस्तों त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, तो उसको भंग करने का अधिकार किसे है? तो हमारे राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए को प्राप्त है, जो राज्यपाल है उसको ये अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 का कह रहा है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज में दे रखा इलाहाबाद, बी मथुरा और सी आपका अलीगढ़ और डी जो है सारनाथ। तो सारनाथ है, ये राष्ट्रीय जो ये उत्तर प्रदेश का जो अशोक चिन्ह है, स्तंभ चिन्ह जो है, वो आपका कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 का कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो वो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से नगर थे। तो इसमें पहला ऑप्शन मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, ये सभी थे। ये जितने भी आपके दे रखे हैं ऑप्शन, ये सभी थे व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो हम सभी लोग इससे परिचित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, आगरा, जो कि
सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आगरा आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो ये आपको बताना है कि जो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा है तो उसका उदय जो है कहाँ कहाँ से हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वो सारनाथ से हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 साथियों क्या कह रहा है कि एक सेकेंड में इसका थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो आपको सन बताना है कि किस सन में, जो सन वाले होते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सन वाले कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों का सबसे सोल्यूशन बस यही है कि आप वीडियो को दो एक बार देखें, एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देखें, दूसरी बार आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं। तो इससे होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। तो ये 1937 ईस्वी में रखा गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। तो वो आपको बताना है, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी सर्वप्रथम किस शहर नगर से हुई थी, तो वो आपको बताना है। तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो मेरठ है तो मेरठ से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ यार, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही रखो। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। जो भारतीय गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र तंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना है उत्तर प्रदेश, तो वो आपको बताना है। तो वो है 26 जनवरी 1950 में बना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो ये किसने किया था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह और सी आपका दे रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। तो ये आपको बताना है, जो काकोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 19 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो चंदवार जो युद्ध हुआ था तो वो किस सन में हुआ था, वो जो इतना प्रसिद्ध हुआ वो किस सन में हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है दोस्तों, 23 क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का प्रसिद्ध जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो वो आपको बताना है। तो वो 1557 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न से दोस्तों, जिन दोस्तों से अभी हम तक गुजारिश करेंगे उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन प्रश्नों को कलेक्ट करना उसके बाद में इनको टाइप करना बहुत ही कठिन काम होता है। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना मेहनत का काम है, तो आप लोग उसके लिए आप कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आई होप यू आप लोग करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर का बाबर ने कब अधिकार किया था। जो उत्तर प्रदेश के आगरा जो आगरा नगर है, आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो 1556 ईस्वी में बाबर ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा साथियों कि उत्तर प्रदेश में सामगुड़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो सामगुड़ का युद्ध था वो कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए इसमें दे रखा 1605, 1627 और 1658 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1658 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता ही होगा या इसका आंसर कि उत्तर प्रदेश में जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है, वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। तो यह आपको बताना है कि जो चौखंडी स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो सारनाथ है तो सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख
किस काल का है, तो वो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है उस किस काल का है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मौर्य काल, बी आपका दे रखा है गुप्त काल, सी आपका दे रखा है शुंग काल। तो शुंग काल ही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा साथियों कि 29 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो मुगल कालीन लाल किला है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपको बताना है, तो वो आप लोगों को पता ही होगा वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा साथियों कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है, तो जो मथुरा नगर है उत्तर प्रदेश में उसमें आपको बताना है कि किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अशोक जो है, अशोक अशोक का जो स्तंभ लेख है वो मथुरा नगर में स्थित है। साथ ही ये थे आज के कुछ 30 बहुविकल्पी प्रश्न, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों के हमारे प्रति कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी वीडियो करवाए गए हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।